आज एक मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि मूवी हो तो ऐसी जिसकी स्टोरी का अता पता नहीं और जो बगैर सर पैर की मूवी देखने को मिलती है। इससे तो अच्छा मैं लक्ष्मी या लक्ष्मी बॉम्बे देख लेता, वो भी अच्छी रहती है। मूवी कैसी है तो आइए आगे बात करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है अमित पी यादव, मम्मी थ्री। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें हमें हॉरर कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलता है और इसकी स्टोरी तो ऐसा है कि अभी बताया ना कि बगैर सर पैर की। इसकी स्टोरी नारायण की है, जो एक रेस्टोरेंट का मालिक है, जो एक कैरा नाम की लड़की से प्यार करता है। एक खूबसूरत लड़की है, वो एक ऐप डेवलपर है जो एक ऐसा ऐप बनाना चाहती है जिससे वो आत्माओं से डायरेक्ट बात कर सके, जो उनसे कॉन्टेक्ट कर सके। और वाओ, ऐसी तो टेक्नोलॉजी हमने पहली बार देखी है जो आत्माओं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद रेस्टोरेंट में कुछ रहस्यमय चीजें होने लगती हैं और नालन के रेस्टोरेंट में कोई एक नई मिठाई रख के चला जाता है और वहां के लोग कर्मचारी जो होते हैं वो समझते हैं कि नालन ने ये सब मिठाई बनाई है। जब नालन से पूछते हैं तो नालन को खुद नहीं पता होता है कि ये मिठाई कैसे बनती है और किस चीज से बनती है। अब रेस्टोरेंट में हर दिन रखने वाली वो आत्मा है, जिसके बाद में हमें एक आत्मा का साया देखने को मिलता है उस रसोई में। अब आगे क्या क्या होता है ये आप इस मूवी के अंदर ही देखोगे। वैसे इस मूवी को और भी आगे खींचा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा इस मूवी को खींच चुके हैं ये लोग, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी तो बहुत सिंपल है जो हमने हर किसी मूवी में देखी हो, और फिर भी इस मूवी को इतना लंबा खींच कर बनाया गया है ना कि आपका सर फट जाएगा कि साला मैं इस मूवी को आखिर क्यों देख रहा हूं। और यकीन मानो इसे देखने के बाद ऐसा लगेगा कि इस मूवी को देखने की बजाय अगर मैं किसी बुजुर्ग के साथ अच्छी बातें कर लेता और उनसे ज्ञान की बातें सुन लेता तो और भी अच्छा रहता। आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जाओ देखो। मैंने तो इस मूवी को स्टार गोल्ड टीवी चैनल पर देखा हिंदी डब वर्जन में। आप देख सकते हो इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी में। कास्टिंग में आपको पवित्रा मारी मथु, अभिनत छत्रा, श्रुति, रवीना, अनुपमा, अश्विन, सुविक्षा, काली वेंकट, मोहम्मद कुरैशी एक्टर देखने को मिलते हैं। तो जाओ इस मूवी को देखो अपनी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और इस मूवी में कोई भी ऐसे वैसे ज्यादा डरावने वाले सीन नहीं है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताओ मूवी कैसी लगी। मैं दूंगा इस मूवी को 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार। बाय।